हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं रोड पे डोल रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, बिकॉज ऊपर तो नेटवर्क आते नहीं हमारे घर पे, तो रोड पे थोड़े बहुत आ रहे हैं। मैं 5 बजे उठ गया था, 5 बजे आ गया था यहाँ पे, देखते हैं कब तक अपलोड हो जाती है। 1 घंटा दिखा रहा है, होपफुली 6 बजे तक हो जाएगा। कल तो मैं लेट हो गया था, बट आज लेट नहीं होना चाहता मैं, इसलिए रोड पे ही आ गया। मेरा तो हाथ थक गया आधे घंटे से लैपटॉप को पकड़े पकड़े। अभी दिखा रहा है ये 46 मिनट और लगेंगे, 38% अपलोड हुआ है। कुछ है भी नहीं यहाँ रखने वाले, तो मैं लैपटॉप को नीचे रख देता। और यू मस्त घूम रहा है सुबह सुबह, चलो चलो। वैसे सुबह सुबह उठ के क्या ही मस्त लगता है, एकदम मस्त। देखो ठंडा ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने देखो जैकेट डाल रखी है, बिल्कुल फ्रेश एयर। मतलब यहाँ तो वैसे भी दिन में भी फ्रेश एयर ही आएगी, क्योंकि पहाड़ी पहाड़ है, पेड़ ही पेड़ है, बट फिर भी सुबह अलग ही फील आता है। फाइनली हो गया गाइज, टाइम हो गया है 6:11 और लैपटॉप मैंने यहाँ रख दिया था, हाथ में दर्द हो गया था। फिलहाल चलते हैं ऊपर। तो अभी पीयूष और कुनाली भी उठ गए हैं, फिलहाल मैं तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो अभी मम्मी और चाची यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं हमारे, जो भी 2-3 दिन के बच्चे हुए थे ना, और कुछ धो के यहाँ पे डाल दिए। लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि तुम चाचा चाची को ये दिलाओ, चाचा चाची को लग्जरी लाइफ दो, ये करो वो करो, बट चाचा चाची खुद ही नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ ले लो, नहीं नहीं कुछ नीचे हमको, ये कुछ नीचे, हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे अच्छा लगता है हमको, नेचुरल लाइफ। लेकिन है बढ़िया, मेरे को भी यहीं पर रहना पसंद है इस तरह से, यहीं रह ले मैं तो रहूँगा। तो कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे चाचा चाची गांव में इस तरह से रहते हैं, तुमको उनकी हेल्प करनी चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें नया घर बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो ये वाला घर है ना, इसको तो मैं कोई भी छेड़ूंगा नहीं, बिकॉज ये हमारे बहुत पुराने वाला घर है। इसी को देख के तो मस्त वाली फील आती है, अपने गाँव वाली फील आती है। नया घर बनाएंगे लेकिन इस वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं, कहीं और बनाएंगे लेकिन इसको छेड़ेंगे नहीं, ये जैसा है वैसे ही रखेंगे। यहाँ अलग ही वाइब आती है पहाड़ी वाली, जिस तरह से रूम बने हुए हैं, जिस तरह से खिड़कियां हैं, ये सारी पुरानी है बहुत। ये उस ईंटों से नहीं बना हुआ, ये बना हुआ पत्थरों से। फिलहाल तो अभी हम पीछे जा रहे हैं, पीछे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ तो बहुत ज्यादा झाड़ हो रहा है, घर के ऊपर टीन डाल रखे कुछ इस तरह से, पत्थर है। ये देखो, ये देखो पत्थरों से घर बना रखे हैं, ये हमारा ही घर है। ये जो पत्थर है वो ऐसे काट रखे की जैसे ईंट है, हाँ। तो ये जो फ्रंट में भी ऐसे पूरा मकान इसी तरीके से बना है। इवन जो बाहर से फोरनर्स आते हैं ना, वो भी यही देखने आते हैं पुराने घर और किस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसी तरह से मेरे को भी रहना पसंद है, इसलिए इस घर को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह से जो भी चीज़ें हैं सब वैसे रखेंगे। बाकी चाचा जी अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैंने चाचा जी कह रखा कुछ भी अगर लेना हो, कुछ भी अगर वैसे ज़रूरत कीजिए। वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, आप सिंपल लाइफ अपना, मेरे को भी इसी तरह से रहना पसंद है। आपने देखा होगा मैं अभी कोई ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं, सिंपल अपना 2 वक्त की रोटी खाते हैं। ओए अभी गिर गया था मैं। बाकी अब चाचा चाची भी आ जाएंगे हमारे साथ में हल्द्वानी, लेकिन हम बनाएंगे यहाँ पे घर, एक घर जरूर बनाएंगे अलग से, इसको नहीं छेड़ेंगे लेकिन अलग से बनाएंगे गिर गिर के। फिलहाल वैसे अभी हम जा रहे हैं फ्रिज लेने के लिए नया, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज नहीं है। फ्रिज की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि सामान वगैरह आता है ना, अभी तक यहाँ पे कोई फ्रिज नहीं था। साफ कर रहे हो? अम्मा पत्थर से साफ कर रही है। अम्मा सारे बर्तन यहीं धोते हो? सारे यही धोते। तो बर्तन धोने वाला एरिया यहाँ पे ही है, यहाँ पे कोई सिंक विंक नहीं होता, मिट्टी से, राख से और पत्थर से साफ करते हैं। ये देखो मेरे ऊपर छत, ये लकड़ी है पूरी ब्लैक ब्लैक, इस पर अगर हाथ लगाऊंगा ना हाथ पूरा ब्लैक हो जाता है। यही तो है जो कुछ अलग है देखो, नहीं तो लग्जरी चीज़ें तो आपको कहीं भी दिख जाएंगी, आप गूगल करो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये। तो साहिल हमारे साथ में चल रहा है आज, पीयूष नहीं चल रहा, पीयूष घर में ही है कुनाली और ओरियो के साथ में, ओरियो के साथ में भी किसी को रहना चाहिए ना। बाकी तू बता, तेरे को लग्जरी लाइफ पसंद है या यहाँ की लाइफ पसंद है? यहाँ की पसंद है, ऑब्वियसली यहाँ की पसंद है। यहाँ जो फील आता है ना अलग, यहाँ अलग ही फील आता है, अलग ही फील आता है इन घरों में। ना पंखे की जरूरत है, हाँ पंखे की जरूरत भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं, ना पंखे ना एसी ना फ्रिज, इवन फ्रिज भी नहीं था। फ्रिज हम लेने जा रहे हैं बिकॉज अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आते हैं ना यहाँ पे तो सामान वगैरह होता है, जैसे कि कभी आके देखना और रह के देखना इस तरह से, लेकिन इस तरह के घरों में रहना तो मजा आएगा। पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी की भी दिक्कत नहीं है, एकदम अपने नेचर से जुड़े हुए, उत्तराखंडी कल्चर से जुड़े हुए। अरे हाँ, पहले तो बिजली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था पहले तो, वॉशरूम भी नहीं थे, इवन वॉशरूम भी बनवाए थे जब हम छोटे छोटे थे ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं। चलो गाड़ी निकालते हैं और फ्रिज लेके आते हैं। डर तो लगता होगा तेरे को यार, डर निकालते हुए, बारिश स्टार्ट होगी हमारे निकलते ही। हाँ चल चल, पूरी ब्रेक मार मार के निकालनी पड़ती है, ऐसे निकलती नहीं है। यहाँ पर बस आ गई, चल 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 चल, सीधा 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 सीधा। यार दिक्कत तो है निकालने में, बस हो गया। तो आज चाचा जी हमारे साथ में बैठे हैं आगे,
मार्केट तो पहुंच गया बट इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली है ना, पहाड़ों पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल तो गाड़ी वहाँ लगाई है, यहाँ पे नदी है, ये ब्रिज है इसके सामने, यहाँ लगाई है कोने पे। फिलहाल चलते हैं मार्केट, उस साइड है, पानी भरा हुआ, बारिश आई थी यहाँ पे। हमारा जो गाँव है उस साइड है, और जो ये जगह है इसका नाम है सोमेश्वर। यहाँ से बहुत सब्सक्राइबर थे हमारे। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, मिनिमम इतना साइज तो हो, इतना साइज ठीक है। तो अभी हम शॉप पे आए थे लेकिन बारिश काफ़ी तेज स्टार्ट हो गई है। हमारे सब्सक्राइबर भी है यहाँ पे, ये भी हमारे साथ में वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, फ्रीज हमारा फाइनल हो चुका है जो कि घर पर आ जाएगा सीधा। फिलहाल गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की थी ना। बाय द वे गाइस, आज है ओरियो का बर्थडे, बट हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बिकॉज केक काट नहीं सकते, केक वो खाएगा नहीं, बैलून उसको पसंद नहीं है, बैलून से डरता है वो, और क्या करे, और कोई उसकी फेवरेट चीज़ भी नहीं जो कि वो खाता हो। तो समझ में नहीं आ रहा करे क्या। हम कल रात से मैं सोच रहा था क्या करे क्या करे क्या करे, वो तो अपना सो रखा है अपना आराम से, उसको तो पता भी नहीं है उसका बर्थडे आज, हम तो ऑलमोस्ट भीग गए। तो अभी साहिल कह रहा है मैं चलाऊंगा पहाड़ पे, तो अब सब कुछ इसके हाथ में है। मेरी बात सुन, यहाँ ब्रेक मत छोड़ दियो, बैग जाएगी सीधा, यहाँ मैक्सिमम दूसरे तीसरे गियर पे चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे पे, हाँ मैक्सिमम दूसरे पे रखियो। तो अभी घर तो पहुँच गए हैं, और आज मेरा लंच है चाचा जी घर पे, इस वाले घर में। बोल रहे थे कि हमारे यहाँ आओ खाने के लिए, हमारे यहाँ, चलो आज का लंच आपके साथ ही करेंगे। अंदर आऊँ? तो खाना तो अपना आ चुका है, इतने सारे चावल डाल के लिए, इसका आधा खाता हूँ मैं। ये क्या है, मूली अचार, दाल चावल मूली अचार, लेकिन चावल ज़्यादा है, चावल आधे कर दो, थोड़ा कम कर लो। हाँ बस बस इतना ही खा लूँगा मैं, ठीक है बस। इसी तरह से ना गांव में जो भी मिल रहा है ना, सारे कह रहे हैं हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, खाने के लिए आओ, चाय पीने के लिए आओ, इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी जो मैं चावल खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, मूली खा रहा हूँ, और ये अचार खा रहा हूँ ना, ये सब ऑर्गेनिक है, सब घर पर बनाया हुआ है सब कुछ। मजा आ गया, थैंक यू सो मच। ओलू खा लिया क्या? आज का बर्थडे है जिसका, बैलून इसको पसंद नहीं है, केक काटने केक खिला नहीं सकते इसको, इसके लिए तो कुछ भी नहीं करा तूने आज। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका इसका कुछ फेवरेट भी तो नहीं है ना जिसको खिला दें, कुछ खाता तो नहीं है। हैप्पी बर्थडे ओली, हैप्पी बर्थडे ओली। तो लास्ट ईयर इसी दिन हम ओरियो को अपने घर पे लेके आए थे, कितनी मुश्किल से लेके आया था। अगर आपने व्लॉग व्लॉग नहीं देखा ना, देखना, आपको चल जाएगा पता, मतलब इतना छोटा था, इतना छोटा था ना ये। अब देखो कितना बड़ा हो गया, एक साल में पूरा एक साल कंप्लीट हो गया, हम कुछ कर नहीं पा रहे इसके लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। उस टाइम पे ना मेरे चैनल पे 20-30 हज़ार व्यूज़ आते थे, इससे ज़्यादा आते थे। जैसे ही मैं ओरियो को लेके आया ना, सीधा 1 लाख व्यूज़ आने लगे थे, डेली के 1 लाख आने लगे थे। फिर उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस तरह से करके 1 मिलियन डेली के भी आने लगे थे। और अब तो देखो 4-4, 5-5 मिलियन डेली के आ रहे हैं, मतलब एक साल में हमने 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं। लास्ट ईयर का मुझे याद है, इस टाइम पे मेरे 1 लाख व्यूज़ भी नहीं आते थे। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, हैप्पी बर्थडे ओलू। इसको तो पता भी नहीं है इसका बर्थडे है, कुछ चाहिए इधर को। तो अभी हम जा रहे हैं ओरियो को उसके बचपन के पास लेके, सोफी के पास। चलो ओरी, चलो चलो चलो। तो आज के दिन हम ओरियो को इतना लेके आए थे, देखो हाँ इतना था सिर्फ, याद है, सेम ऐसा था ओरियो, सेम हाँ, सेम ऐसा। ओरियो अपने बर्थडे पे अपनी बचपन से मिल लो। हाँ ये एरिया से, यहाँ पे खेलेंगे दोनों। खोल दूँ क्या ओरियो? खोल दूँ ओरियो? भाग मत जाइए यहाँ से कहीं। ओरियो का फर्स्ट बर्थडे, ओए 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 ओए, खेल रहे हैं। कह रहा हाथ मत लगाओ। मेरी सोफी है वो, मेरी सोफी है वो। और ये खेलने के लिए रख ले इसको साथ में। हमको दे दो, ये दे दो, ले ले, हम बिल्कुल ले लेंगे पक्का। हाँ, मजा आ जाएगा, और ये खेलता रहेगा साथ में। वैसे फीमेल है, फीमेल है ना ये? बिल्कुल अरे फीमेल है, बच्चे बच्चे कर देंगे। बहुत सारे ओरियो हो जाएंगे, बिस्कुट निकलेंगे। इनका बचपन ही सही रहता है मस्त, इनको प्यार करने के लिए, इनके साथ मस्त खेलने के लिए। बड़े होने के बाद तो देखा होगा कितना खतरनाक बन जाते हैं ओरियो की तरह, एक तो छोटे से यार। ओरियो की याद आ गई मेरे को, उसकी वीडियोस देखूंगा मैं आज, पुरानी वाली। तो अभी हमारा फ्रिज आने वाला है, देख के आते हैं।
तो फाइनली गाइस हमारा फ्रिज आ चुका है जो कि सैमसंग का है। उठा लोगे क्या चार जने मिलके? तो गाइस अभी पॉपआउट हो चुका है, इसमें काफी डेंट लगे हुए हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसी होता है, कोई भी चीज लाते हैं ना एक बारी में सही निकलती नहीं है, फिर इसको वापस करने जाओ। अब इसको वापस करने जाना पड़ेगा इतनी दूर मार्केट। बहुत सारे डेंट लगे हुए हैं आगे भी ऊपर भी। न्यू फ्रिज लाए और पॉपआउट हो गया। मैं काफी खुश था कि यहाँ पे हमारे फ्रिज आ जाएगा। नहीं आएगा इसमें? तो गाइस फ्रिज इसमें तो नहीं आएगा, दोबारा बोलेरो ही मंगानी पड़ेगी हमको। तो अभी शॉप पे जा रहे हैं, अपनी आंखों से देख के अच्छे से पूरे पीस को फिर लेके आएंगे। तो अभी शॉप पे तो पहुंच गए, चेंज करा दे जल्दी से। गाड़ी वहीं पे लगानी पड़ेगी भाई, पुल के पास। अब ठीक लग रहा है, सुबह तो बारिश हो रही थी पूरी, लेकिन बारिश दोबारा हो सकती है। हाँ ये वाला बिल्कुल सही है, ये ठीक है, ये वाला पैक करा दो। तो फाइनली गाइज बढ़िया वाला पीस हमको मिल गया, जिसमें बिल्कुल भी डेंट नहीं है, बिल्कुल सही है। हमने चेक कर लिया है तो रेड कलर का है, पहले हमने ग्रे कलर का लिया था जिसमें काफी डेंट थे, तो चलो हो गया रिप्लेस। बट दो बार चक्कर काटने पड़े यार, चलो कोई बात नहीं, होता है ये हमेशा लाइफ में होता है, ये तो हमने सोच लिया कि हमारे साथ होना ही है। तो फिलहाल अभी मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, अब हम गाड़ी में लेके जा रहे हैं, देखी जाएगी जो होगा। यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है, मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ ना, गाड़ी के ऊपर मक्खियाँ ही मक्खियाँ आती हैं, देखना ऊपर वहाँ भी मक्खियाँ ही मक्खियाँ और पूरी। यहाँ पे बैग ध्यान से करनी पड़ती है, नहीं तो सीधा नदी में जाएगी नीचे पुल से। आ जाएगा इतने में? जल्दी करो, कोई गाड़ी आ जाएगी। तो गाइस जैसे तैसे करके फ्रिज तो डाल दिया अंदर, बट अब इसमें बैठे हैं कैसे ये बताओ। तो फ्रिज लिया हमें, अभी उसकी पार्टी कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने मोमोज मंगाए हैं, मैंने अपनी लस्सी मंगाई है। मोमोज पीयूष के फेवरेट है, पीयूष देखेगा ना पीयूष चढ़ाते हैं। पीयूष जी तो निकलती करती नहीं आके। एक फ्रिज लाने में इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे पहाड़ में, और आप कह रहे हो नया घर बनाओ। अब घर बनाने में कितने साल लगेंगे हमको, कितना वो होगा, टाइम लगता है बहुत, पंगे बहुत टाइम लगता है यहाँ घर बनाने में, बहुत ज्यादा। धीरे धीरे के देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको। अभी तो हल्द्वानी में ही सेट नहीं हुआ अच्छे से। तो फाइनली गाइस दूसरा फ्रिज हम ले आए, एक फ्रिज ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा है, दूसरा भी ले आए, वो वापस दे के आएंगे, वो डैमेज वाला पीस था ना। हैप्पी बर्थडे औरी, औरी हैप्पी बर्थडे। तो फाइनली मम्मी आपका फ्रिज आ चुका है। ठीक है बेटा, आपसे बढ़िया फ्रिज लाया मैं यहाँ के लिए। ठीक है फिर, हमारे वहाँ टूटा फूटा फ्रिज है। तो अभी बाहर बारिश हो रही है और हमारे गांव वाले मिलने आए हमसे। बहुत बड़े फैन गांव के, बहुत प्राउड फील होता है हमें आप पे, आपने हमारे गांव का नाम बहुत रोशन किया है। आज उसका बर्थडे है, बर्थडे आज उसका। किसका? ओरियो का। ओरियो का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ओरी। तो अभी रात के बज के 8:25 और रोटी बन रही है, चाची रोटी बना रही है और साथ में ब्लॉग देख रहे हैं। अब ऐसे देखते हो डेली ब्लॉग? तो चाची इस तरह से रोटी बनाते हुए फोन में यहाँ पे रख के ब्लॉग देखती है डेली। बाय द वे आज शाम से अभी तक कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो हम शायद कल नहीं जा पाएंगे, हमारा प्लान था, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है ना, तो खतरा है अगर बारिश चलती रहेगी तो। बारिश कम हो जाएगी फिर चले जाओगे, कोई बात नहीं। जैसे आज तो देख पूरा दिन बारिश हो गई, समझ लिया, थोड़ी रुकी फिर आई, रुकी फिर आई, तो फिर कल जाना सेफ नहीं है ना। रात भर बारिश है, सेफ क्या, बिल्कुल ही नहीं होगा जाने का। देखो रोटी बना के इस तरह से लकड़ी के ऊपर रख देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को गैस से बढ़िया इसमें लगता है। हाँ ये चीज देख के ना एक अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा सा लगता है, रोटियां स्वाद हो रही है, स्वाद भी होती है और अलग ही लगता है, मतलब अच्छा सा लगता है मुझे। मेरी तो आदत भूल गई ना बेटा चूल्हे बनाने की, मेरे से जल जाती है। अच्छा चाची अच्छा बना, सिर्फ चाची बना पाती है, मम्मी नहीं बना पाती, मम्मी भूल गई। अब हो जाता है, बना तो लूंगी, मतलब ऐसे नहीं बन पाऊंगी। कभी उत्तराखंड आओ ना तो इस तरह से गाँव में आना और चूल्हे की रोटी खाना, अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही मजा आता है। इस तरह से नीचे बैठ के अपना, यही किचन है यहाँ का, यही सब कुछ है यहाँ पे, खाना बनता है सब। लाने को तो मैं यहाँ बहुत कुछ ला सकता हूँ खाने के लिए और सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट मज़ा इसी में आता है, इसलिए मैं कुछ लाता ही नहीं। अपने सिंपल इस तरह से रहो और खाओ पियो बस, सिंपल दो रोटी खाओ और सब्जी खाओ बस। तो गाइस बात ऐसी है, डिनर हो चुका है, काफ़ी मज़ा आया। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज ऊपर जाऊँगा एडिटिंग करूँगा और फिर सो जाऊँगा, बस यही है। ऊपर ज़्यादा व्लॉग तो कर नहीं पाते बिकॉज सारे सो जाते हैं जल्दी ही, मतलब 9 बजे सारे सो जाते हैं और अंधेरा भी रहता है, अच्छे से ब्लॉग भी नहीं कर पाते जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो रात को तो दिन में ही जो बन गया बन गया। आई होप पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी फिलहाल हमारी गाय घास खा रही है, ओरियो का मन भी कर रहा है खाने का, उसका बर्थडे है ना आज। क्या हुआ, घास खानी है क्या, क्या हुआ? लात मारेगी वो। अरे